स्टेज पे मैंने देखा विलालगे ने एक अच्छा स्पेल डाल रहे थे, स्लो डाल रहे थे। बट यार देखो, अब श्रीलंका को छोड़ो, हार गई ना टीम, को जीता कौन है? पाकिस्तान ने कितने चेज किए? 344 रिकॉर्ड रन चेज है सर। देखो साफ सीधी बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं किया। 131 रन है नॉट आउट 121 बॉलों में रिजवान के, 103 बॉल में 113 बनाए, अब्दुल्ला शफीक दूसरा क्यों खेल रहा है? 20 क्यों नहीं खेला हुआ अभी भी? मतलब ठीक है वो, मैं तो अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ये होने चाहिए आइडियली। आपको याद होगा जब हम एक वक्त पर बीच में बात कर भी रहे थे तो थोड़ा सा ये था क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले, उनका इमाम कैसे बाहर होंगे? मैं वही कह रहा हूँ कैसे वैसे अब जो भी है, बट अब्दुल्ला शफीक ने आज जो पारी खेली, जिस तरीके की उन्होंने क्लास दिखाई है, मानना पड़ेगा उनको भी, जो शॉट है उन्होंने खेली है। इनफैक्ट शुरुआत में तो वही लेकर चल रहे थे जो शॉट मार रहे थे, मतलब वो स्टार्टिंग में 10 ओवर में आप देखो वो एक साइड थी। हाँ। शॉर्ट बॉल में क्योंकि बाबर भी आए थे थोड़ा सा, लेकिन जिस हिसाब से वो कनेक्ट कर रहे थे ना बल्ले से, जो आवाज आ रही थी, मतलब अब्दुल्ला शफीक। एक बात जानना चाहती हूँ, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बैटर्स में ना सबसे ज्यादा नाम आता है बाबर आजम का, और आप पिछले कुछ वक्त निकालेंगे तो सिर्फ एक रिजवान आते हैं जो हर मैच में पाकिस्तान जीत रही हो हार रही हो, रिजवान आके वो अपना काम कर जाते हैं। मैच विनर जी, बाबर है मतलब साइलेंट किलर, पाकिस्तान क्रिकेट के पाइप पाइपर। अब देखो क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट फेस इज बाबर, लेकिन पीछे आप देखें ना रिजवान। मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी तारीफ किए बगैर पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया पीछे नहीं रह रही, क्योंकि आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेज करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसके पीछे वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अलग किस्म की बैटिंग करके तमाम पाकिस्तानियों को और यहां तक के भारतीयों को भी हैरान कर दिया है। इसके साथ हमारे ज़ख्मी शेर मोहम्मद रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया और एंड तक मैच को लेकर गए और मैच पाकिस्तान की झोली में डालकर वर्ल्ड कप में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरे हैं। और पाकिस्तान की तारीफें दुनिया भर के क्रिकेटर्स, दुनिया भर के क्रिकेट के फैंस, यहाँ तक के भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मजबूत दावेदार के तौर पर मान रही है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो में विक्रांत गुप्ता और इसके साथ पैनल में जो मौजूद बाकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और यहाँ तक कि यही पहले जो और बाकी तमाम जो भारतीय चैनल हैं, जब श्रीलंका ने पाकिस्तान को 345 रन का हदफ दिया तो सभी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप होगी और पाकिस्तान बुरी तरह वर्ल्ड कप में हार कर भारत से भी अंडर प्रेशर होकर हारेगा। लेकिन तारीफ करनी होगी अब्दुल्ला शफीक की और साथ मोहम्मद रिजवान की, जिसने 50 ओवर पहले विकेट कीपिंग की और उसके बाद जो बैटिंग में जलवा दिखाया वो बहुत तारीफ के काबिल है। और अब पाकिस्तान की जीत के बाद विक्रांत गुप्ता और इसके अलावा जितने भी भारतीय चैनल्स हैं वो पाकिस्तान को एक फेवरेट दावेदार के तौर पर वर्ल्ड कप में शुमार कर रहे हैं। क्या कहते हैं विक्रांत गुप्ता, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी मेरी तरह पाकिस्तान टीम के फैंस हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं एक्शन की जाने, 5.5 में चल रहे हो, 5 से धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हो, फिर रिक्वायर्ड रेट आपका कम होता जा रहा है, मतलब वो एक कंसर्न था मिडिल ओवर्स में कि अरे कैसा करते हैं। इनफैक्ट देखो धीरज भाई क्या होता है, जो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक का टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड है, अब्दुल्ला शफीक का आप देखोगे वाइड बॉल में उस लिहाज से उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, बट देन उनकी वही काबिलियत को बैक कर रही थी पाकिस्तान। और इनके पास मैं बार बार इवन जो टेस्ट क्रिकेट में भी देखा था, एक दिन शायद हम ही बात कर रहे थे जब थोड़ी सी ये चर्चा हुई थी यार नहीं वो टेस्ट में करते हैं वनडे में कैसे होगा, बट स्ट्रोक प्लेयर थे, टेस्ट में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल कराते थे आउट आते थे क्योंकि फील्डर के पास ले आते थे। बट पहली बार इनका नाम सुना था जब नेशनल T20 कप, उसमें उन्होंने एक 100 लगाया था, वहां से उन्होंने पारी खेली। और आज जैसी पारियां होती हैं जो कभी कभी एक प्लेयर को चाहिए होती हैं, जहां पर आप बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप, अब फखर जमान को रिप्लेस सिर्फ नाम पर नहीं किया, इंपैक्ट पर भी किया है आज। ऊपर से सबसे बड़ी बात आपको ऐसी ओकेशन में बैटिंग आई है जब सामने 345 का टारगेट है, आपकी बैटिंग आ रही है और आप देख रहे हो एक साइड से इमाम उल हक शॉर्ट बॉल गई आउट, उसके बाद आप देख रहे हो बाबर सॉफ्ट डिसमिसल आउट, और आप देख रहे हो करेगा तो करे क्या। अब वहां पे उस ओकेशन में अगर राइज करते हो तो मतलब ये एक खिलाड़ी का कहीं ना कहीं कैरेक्टर भी दिखाता है कि बड़े दिन पे आया, मतलब बड़ा दिन इसलिए क्योंकि एक तो इनके सामने ऑलरेडी हिस्ट्री है कि 7 मैच वर्ल्ड कप में जीत रखे, आज ऐसा था कि यार 7-1 हो सकता है,
क्योंकि टारगेट इतना बड़ा, लेकिन उस दिन आप आते हो और बैटिंग मतलब पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर 344 जितना बड़ा स्कोर बना और उसके बाद फिर चेज हो गया, तो भी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस ही देगा, क्योंकि 350 या 300 प्लस स्कोर हम बहुत अच्छा स्कोर टोटल मानते हैं। इन्होंने आज तक 263 से ज्यादा वर्ल्ड कप में सक्सेसफुल चेज नहीं किया, तो 345 रन तो आंख बंद करके हम सबको लग रहा था चेज हो ही नहीं सकता, कहां से हो जाएगा। दे वर डाउन, दे वर आउट, एंड मैंने आपको याद होगा एक बात बोली थी कि पाकिस्तान डेंजरस भी हो सकता है। पाकिस्तान इम्तिहान यही था, जब पीठ लग गई दीवार में क्या ये खड़े हो सकते हैं। सर दो चीज मुझे लगता था नहीं हो सकते, हो गया, लेकिन मैं पूरा डेंजरस ही कहूंगा, बोलिंग साइड अभी भी देखो वीकर साइड में खड़ा है। अब इसमें कोई नुक्ता चीनी की बात नहीं है, सबसे ज्यादा कोई नुक्ता चीनी की बात नहीं है, पर ये अगेन एक श्रीलंका का बोलिंग अटैक जिसमें आपने आज देखा, जिनकी बात होती रहती है, और पथिराना पर हम लगातार बोल भी रहे थे कि भाई T20 वाली बोलिंग जो डाली है आपने और जो वहां पर वनडे खेले, पर्टिकुलरली जब बॉल ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल है वहां पर, इधर उधर जहां मन कर रहा है वहां फेंक दे रहे हैं, जो IPL में भी वो करते हैं, पर क्रेडिट उनको पूरा है क्योंकि पाकिस्तान हाफ वे स्टेज नीचे लगी हुई थी, बट 350 था, मैं बैटिंग को पूरा क्रेडिट, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की जो डेंजरस बात हो रही है, पाकिस्तान डेंजरस किस कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि अपने दिन में किसी भी टीम को हराने में या फिर वर्ल्ड कप के लिए आप कंटेंडर या टॉप चार की बात तब आएगी जब आगे होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीमों के बाद आपको वाकई ये आपके वैसे वो मैचेस थे जो दो आसान मुकाबले होंगे। आज इनकी बैटिंग को 10 में 10 मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है बैटिंग विकेट है, आपके बोलर्स ने आपका साथ नहीं दिया, बोलिंग इनकी हमेशा जान होती है, आपकी बोलिंग इतना अच्छा करी नहीं, आज बैटिंग को खड़े होना था, उन्होंने बोल दिया आप नहीं, और बैटिंग में यार हम करके देखे, तो इसलिए आज उनको बैटिंग में जो आज टोटल था 344 का टोटल, वो पाकिस्तान थी बना लिया, लेकिन वो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा, जब इतना बड़ा टोटल स्कोरबोर्ड लग पे लग जाता है कि हाँ ये टोटल है, तो किसी टीम के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जैसे सर ने कहा कि वो मतलब आगे किसी के लिए भी खतरा है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे खतरा होगी सर, क्योंकि पहले तो इतने रन बनवा दिए, ठीक है बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, चलो रन बनाए वो चीज मैं नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका भी तो थी सामने सर, अगर कोई और टीम, ऐसा नहीं होता, आपको मैच जीतना है, कल अफगानिस्तान है इंडिया के सामने, तो अफगानिस्तान और इंडिया में तो फर्क है ना, पर इंडिया अगर कल जीतेगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपके पॉइंट्स टैली पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे, तो उन्होंने तो श्रीलंका को हराया, वो टीम जो उनको एशिया कप फाइनल T20 और इस एशिया कप में हरा के आई है, तो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका आसान थी, बट श्रीलंका जो धीरज ने बात बोली, एक मैच में उन्होंने 428 खा लिए या उन्होंने 350 चेज करवा दिए, तो श्रीलंका की तो ताकत क्या थी, उनके जी स्पिनर हैं, उनका जी फलाना है, उनका जी ढिमकाना है, जहां पर बॉल ग्रिप नहीं किया, हालांकि एक स्टेज पे मैंने देखा विलालगे ने एक अच्छा स्पेल डाल रहे थे, स्लो डाल रहे थे, बट यार देखो आप श्रीलंका को छोड़ो, हार गई ना टीम को, जीता कौन है? पाकिस्तान ने कितने चेज किए हैं? 344 रिकॉर्ड रन चेज है सर, देखो साफ सीधी बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं किया, 131 रन है नॉट आउट 121 बॉलों में।